दोस्तों आप सभी नमस्कार, और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ हीरो की दोस्तों स्प्लेंडर है, और दोस्तों ज़्यादा गाड़ी नहीं चली है, 35,000 गाड़ी चली है, और इसका मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। नॉर्मल गाड़ी चलती है, उसमें क्या दिक्कत परेशानी है ऐसी, तो यही मैं इस चीज़ पर गौर करने वाला हूँ कि जो ये स्प्लेंडर है कितनी हल्की हो चुकी है पहले से, इतनी हल्की चुकी तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों नॉर्मल चल रही थी, कोई ज़्यादा नहीं चली है, और ये हल्की ठुकी है, ज़्यादा तेज़ नहीं ठुकी है। और ये देखिए इसका दोस्तों हाल, ये दोस्तों जहाँ से इसका वेल्डिंग होता है यहीं से टूट चुका है पूरा। तो जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ से भी टूट चुकी है। और दूसरी चीज़ आपको बताएं दोस्तों, हल्की कितनी हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से भी दोस्तों बिल्कुल टूट चुकी है, यहाँ से भी टूट चुकी है। और आपको तीसरी चीज़ भी दिखाते हैं इसमें, ये देखिए दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों क्रैक हो चुकी है पूरी। और दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों अंदर से टंकी के नीचे से भी क्रैक हो चुकी है, टंकी के उस साइड से भी क्रैक हो चुकी है, दोनों साइड से क्रैक हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी मैं पहले टंकी खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको एक बार शो करता हूँ टंकी के नीचे से कितना कैसे क्या टूटा है। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। दोस्तों हमने दोस्तों टंकी वगैरह सब उतार लिए, अब इसके बाद दोस्तों बात करें कुछ क्या क्या टूटा है, कैसे कैसे टूटा है। देखिए दोस्तों बात करें, जैसे अगला हिस्सा मैंने दिखाया, यहाँ से भी चटक गई है, यहाँ से भी चटक गई है, और दोस्तों उस साइड से भी चटक गई है। बात करें दोस्तों एक कुंडे की, ये देखिए यहाँ से भी दोस्तों चटक चुकी है पूरी, पूरा टूट चुका है बिल्कुल यहाँ से। और हमने इंजेक्टर में से पाइप जो है निकाल लिया है। अब दूसरी जगह दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों टूट चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है इसका, दोस्तों ये अगर क्लेम में होती तो दोस्तों क्या होता, इसमें जो है क्लेम में इसकी जो है चेसी दूसरी डल जाती, लेकिन अब दोस्तों क्लेम में नहीं है तो इसका क्या करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों हम वेल्डिंग कराने वाले हैं, जो परमानेंट वेल्डिंग वाला होता है उससे वेल्डिंग कराएंगे इसकी, और मैं आपको वेल्डिंग करने के बाद आपको शो कराऊंगा कैसे कैसे क्या क्या वेल्डिंग हुई है, कैसे और क्या होगा। और ये देखिए दोस्तों पहले हम इसकी वेल्डिंग करा लेते हैं, फिर मैं आपको दोस्तों शो करूँगा सारा कैसे क्या किया है उसने। और दोस्तों हमें तार वगैरह सब हटानी पड़ेंगे, और ये देखिए यहाँ पर पूरा चटक चुकी है दोस्तों। इस वीडियो में पूरा बने रहें, और ताकि आपको नॉलेज मिल सके, और ऐसे ही बने रहें दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखिए वेल्डिंग करा दी है इसमें, और वेल्डिंग नॉर्मल वेल्डिंग वाले से नहीं कराई दोस्तों, खरा दिया होता है जो मेनली बाइक का करता है दोस्तों, उससे पूरा वेल्डिंग हर जगह से एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी वेल्डिंग करा दी, इसकी मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए इसमें खास पता भी नहीं लग रहा है खास वेल्डिंग हुई है, देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट वेल्डिंग हुई है बिल्कुल एकदम। और ये गाड़ी दोस्तों इसकी जो है लाइव बन चुकी है, ये देखिए ये पूरी तरीके से दोस्तों पूरी वेल्डिंग हो चुकी है। और इसी तरीके से वेल्डिंग आप भी करा सकते हैं, नॉर्मल खरा दिया से मत कराइएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपकी गाड़ी जो है ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे हमारे साथ बने रहें ऐसी वीडियो देखने के लिए जो आपको नॉलेज थोड़ी बहुत मिल सके। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, वीडियो देखने का दोस्तों धन्यवाद।